हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मिशन IAS PCS में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर सीरीज में सिटीजनशिप के टोटल जो वीडियोज हैं वो ख़त्म कर दिया था, एंड मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन के माध्यम से जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो है आपका सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका PDF बनाने में हमें टाइम लगा, दैट्स वाई फ्रॉम 2 or 3 days वी आर नॉट एबल टू पब्लिश द वीडियोज, बट when my PDF got completed and I am here to provide you the video series. So from today onwards we are going to start with the salient features of the Indian Constitution, and once it gets over we will start with the next chapter. And a great initiative for you friends ki maine aapko free daily answer writing practice ke liye initiative launch kiya hai, एंड मैंने फर्स्ट वीडियो इसका अपलोड कर दिया है। इसके तहत आपको क्या होना है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, पहले पॉलिटी, फिर हो सकता है हिस्ट्री, फिर हो सकता है आपका इकोनॉमिक्स, ऐसे करके, एंड वो आपको लिखना है आंसर्स। एंड जो हमारे ईमेल आईडी है जो PDF में मिल जाएंगे या फिर आप हमारे YouTube चैनल को स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको आंसर्स भेजने हैं विद इन 1 or 2 days, एंड मैक्सिमम 10 आंसर्स चेक किया जाएगा, एंड अल्टीमेटली उसके साथ साथ आपको रिव्यू करके जो भी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी विद रिप्लाई। सो टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस बिकॉज यू ऑल्सो नो कि जो आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एज वेल एज इनहेंसिंग द राइटिंग स्किल्स, एंड फॉर दिस यू नीड ऑन दी प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने में डिले करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बिकॉज यू हैव द टाइम, एंड आपको बस आंसर राइटिंग लिखनी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, आंसर राइटिंग लिखो, मैं उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर सीरीज के माध्यम से 10 मिनट का ही वीडियो होगा, क्वेश्चन डिस्कस कर दिया करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो रिलीज किया है व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप अंडरस्टैंड भी कर जाओगे, साथ ही साथ आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड आपके आंसर्स इवेल्युएट भी हो जाएंगे, तो इट विल बी विन विन सिचुएशन। तो डोंट ट्राई टू इग्नोर इट, प्लीज डू ज्वाइन दैट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमें सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करना है, एंड बिफोर दैट अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल से अगर आपने नहीं जुड़ा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली आप ही हमें बताओ कि जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो क्या कुछ सैलिएंट फीचर्स आपको नज़र आते हैं। आपको हमने प्रीएम्बल पढ़ाया, इवन अगर आपने प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ से भी आप आंसर कर सकते हो कि क्या सैलिएंट फीचर्स हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, ठीक है। तो आप रिकॉल करने की कोशिश करो, एंड मैंने आपको एक समरी के रूप में भी यहाँ पर दे दिया है कि सैलिएंट फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो, और इसी को मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है जब हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना तो हमने प्रीएम्बल से शुरुआत की थी, उसी प्रकार से जब संविधान को आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको प्रीएम्बल मिलेंगे, एंड जो प्रीएम्बल है उसमें आइडियल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं आने वाले समय में, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें फुलफिल करने हैं, जैसे आपका जस्टिस, इक्वलिटी, ठीक है, ये सब कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमारे संविधान के क्या हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम कह सकते हैं कि इट यूनिक इन इट्स कंटेंट एज वेल एज स्पिरिट, तो कंटेंट में भी यूनिकनेस है एंड इन स्पिरिट इसमें भी हमारा जो संविधान है यूनिक है। एंड आपको पता होगा कि जब संविधान सभा बैठी थी संविधान को बनाने के लिए तो अल्टीमेटली बहुत सारे जो संविधान उस समय थे दूसरे देश के उसको खंगाला गया और अंडरस्टैंडिंग की गई, एनालिसिस किया गया कि भाई साहब ऐसा नहीं कि हमें दूसरे के संविधान को कॉपी कर लेना है, जो चीज़ भारत के लिए शूट करेगी उसको इंक्लूड करना है, अगर चाहे कुछ चेंजेस ही क्यों ना करना पड़े। इसीलिए आप देखोगे कि डिस्पाइट वी एनालाइज सो मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हमने वही उठाया जो हमारे लिए शूट कर रहा था, अगर हमें कुछ बदलाव करने की भी ज़रूरत पड़ी तो हमने वो बदलाव भी किया।
वी कैन से कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन has adopted the best features of most of the major constitution of the world as per the needs of the country. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने राइट टू वोट अधिकार दिए सभी सिटीजन्स के लिए. उस समय तो बहुत सारे देशों में राइट टू इक्वल वोट का अधिकार ही नहीं था, महिलाओं को तो वोट ही नहीं भी करने दी जाती थी, ये आपने भी सुना होगा. ठीक है, तो लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी सोच को आप समझने की कोशिश करो कि कितनी दूरगामी सोच थी जिसके तहत उन्होंने इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वोमेन फॉर द वोटिंग वो दी. ठीक है, एज वेल एज और भी बहुत सारे जो फीचर्स आप देखोगे, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स आप देखो, टीपीएसपी के प्रोविजंस देखो, वो सब जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सच में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या कार्य किया था. अल्टीमेटली उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो कहीं ना कहीं जो देश की ज़रूरत है, जो देश का पॉलिटिकल सिस्टम जो सूट करेगा भारत को, उन सब को उन्होंने संविधान में सम्मिलित करने का कोशिश किया. ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी गई थी और इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रोल काफ़ी अहम निकल कर आता है. ठीक है, एंड बी आर अम्बेडकर साहब आपको पता है चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, एंड उनके जो ज्ञान है उनका इस्तेमाल किया गया फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो सेवरल साइलेंट फीचर्स हम यहाँ पर देखेंगे एंड कुछ यूनिक फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आप क्विक रिविज़न कर लो एक प्रकार से साइलेंट फीचर्स के बारे में, उसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे. तो पहला है आपका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको भी पता है कोई भी संविधान उसको हम रिटेन या फिर अनरिटेन में क्लासिफाई कर सकते हैं. क्या है ये रिटेन या अनरिटेन उसको हम डिस्कस करेंगे. हमने ये आपको प्रोवाइड किया है पीडीएफ में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है रिटेन वर्सेज अनरिटेन. एंड ये तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, लॉन्गेस्ट या फिर लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का. कितना समय लगा था आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में. एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा. यस, हम जो अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं आपको भी पता है वोट के माध्यम से चुनते हैं. हम वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हाउस में आते हैं, अल्टीमेटली वो फिर गवर्नमेंट बनाते हैं. तो वी हैव द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल. आपने प्रीएम्बल में पढ़ा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स सॉवरेन सोशलिस्ट, ये आपने सुना होगा. तो जो अथॉरिटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की वो कहीं ना कहीं पीपल से मिली है. दैट्स वाई द सॉवरेनिटी लाइज ऑन द पीपल. ठीक है, एंड वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो इसका सिंपल सा मतलब है जो आपके गवर्नमेंट होते हैं वो लेजिस्लेचर या फिर लोअर हाउस को एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दैट्स वाई आपने सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाया जाता है. तो अल्टीमेटली अगर वो पास हो जाता है तो फिर जो सरकार है वो गिर जाती है. अभी रिसेंट इंसिडेंट होने वाला था महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने पहले ही रिजाइन कर दिया तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात अटक गई. तो आपने देखा कि किस प्रकार से न्यू गवर्नमेंट बना. जब भी इस प्रकार के पॉलिटिकल क्राइसिस होती है तो थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है उसको समझने की कोशिश ज़रूर करना. ठीक है, तो वी हैव कवर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसको सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो समरी है सो दैट आपको अगर कभी भी ज़रूरत पड़े रिविजन करने की तो आप रिवाइज कर सकते हो. प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ प्रीलिम्स में आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर क्वेश्चन बनेंगे और बनते ही हैं. बार बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट है या फिर कैबिनेट गवर्नमेंट है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, तो बेसिकली लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है. ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. एंड वी हैव द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, टोटल अगर देखा जाए तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. पहले 7 हुआ करते थे लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई थी. कौन से संवैधानिक संशोधन करके राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया, ये आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. एंड वी हैव द फंडामेंटल ड्यूटी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था लेकिन बाद में ऐड किया गया. एंड ये कौन से संविधान के तहत या फिर संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ 51A आपको बताना है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था. एंड वी हैव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो सोशियो इकोनॉमिक या फिर वेलफेयर स्टेट को
को इस्टेब्लिश करने की बात करता है। दैट्स वाई यहाँ पर आप देखोगे कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होगी, ठीक है, एंड मैटरनिटी लीव की बात होगी। तो ये सब क्या है, स्टेट को एक प्रकार से डायरेक्शन देता है संविधान की आपको ये इनिशिएटिव लेने हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। एंड जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये मिक्स है रिजिडिटी का अलोंग विद फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब हम रिजिडिटी की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसको चेंज करना, उसमें संशोधन करना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ के जो संविधान है ना उसमें बदलाव अगर करना है तो काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी कड़क प्रोविजन्स हैं, ठीक। इंडिया में भी कड़क प्रोविजन्स हैं संविधान संशोधन करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ फ्लेक्सिबल प्रोविजन्स ही है। जैसे हमने पढ़ा भी था नेम ऑफ द स्टेट्स को चेंज करना है, ठीक है, या फिर नए स्टेट क्रिएट करना है तो वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट से अगर हो जाता है तो अल्टीमेटली नेम चेंज, एरिया चेंज, बाउंड्री चेंज ये सब हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ वी हैव द सिंगल सिटीजनशिप, हमने सिटीजनशिप चैप्टर में ही कवर कर लिया है ना, यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप तो होगी नहीं, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप होगा। एंड बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप भी होते हैं, एग्जांपल आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड वी हैव द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो क्राइम करने को चाह रहा है, ठीक है, जो इनसिक्योरिटी फैलाने की सोच रहा है, तो वो एक्ट करने से पहले ही जो पुलिस है या फिर अथॉरिटी है उसको अरेस्ट कर लेती है, तो उसी का हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। जैसे कोई टेररिस्ट हुआ, ठीक है, लेट से, तो उसको हमने पहले ही पकड़ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, एंड अल्टीमेटली जो क्राइम है उसको होने से हमने बचाया, तो उसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये आपको जब हम फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक बनाएंगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड वी हैव अ सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट मतलब इसको आपको समझना पड़ेगा, जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं एक तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म होता है, एक इंडियन सेकुलरिज्म होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि जब हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो जो स्टेट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट रखेगा अपने आप को फ्रॉम द रिलीजन मैटर्स या रिलीजियस मैटर्स, ठीक है, तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करेगा ही नहीं। लेकिन इंडिया में क्या है, वी ट्रीट ऑल रिलीजन्स एज इक्वल, तो हम इंटरफेयर करते हैं अल्टीमेटली एज पर द नीड एंड टाइम, एंड वी ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, वी आर नॉट एंटी रिलीजियस, वी ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। तो ये बातें, तो ये हम सेकुलर स्टेट की बात करेंगे, वो सब हम आगे देख लेंगे। एंड वी हैव द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स कोर्ट है हमारे देश का, कोई भी इश्यू ही अगर बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब हुआ तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो है एक्ट करेंगे एंड बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। एंड वी हैव द एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज सिंपली मीन्स वोटिंग राइट, तो क्या आप 18 साल से ऊपर हो तो वोटिंग कर सकते हो, एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हो, अपने पंचायती रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हो। तो ये है एडल्ट सफरेज वोटिंग राइट्स, एंड इट इक्वली स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। सो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ बेसिक समरी देख लिया, समरी में ही आपको मैंने पूरा जो ओवरव्यू है वो दे दिया है, अब तो बस आपको पीडीएफ पढ़ना है, वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट से शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज योर लेंथीस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो हमने बचपन से पढ़ा, मैंने आपको बताया कितना समय लगा था हमारे संविधान को बनने में, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2 साल 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे, आप समझ सकते हो, ठीक है, तो इतना लंबा समय लगा था। अब क्यों लगा था, इसके भी लॉजिक है, इसके भी कारण है, तो उस कारण को आपको समझना है फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। हालांकि इतना आसान क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि क्यों लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आप उठाकर देख लो तो उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा आपका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होगा अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर एग्जांपल देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब आपका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का। सिमिलरली इसराइल, ठीक है, इसराइल का एग्जाम्पल ले सकते हो, और भी एग्जाम्पल है, यूके का भी एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ब्रिटिश ही है,
है ना, न्यूजीलैंड का भी एग्जांपल ले सकते हो, ये सब आपके अनरिटेन है। लेकिन अंतर क्या होता है रिटेन अनरिटेन में, तो आपने देखा होगा कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अल्टीमेटली एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई और वहाँ पर मेंबर्स आए, एक साथ बैठे, डेलिब्रेशन हुआ, डिस्कशन हुआ एंड अल्टीमेटली तब जाके लंबे समय के बाद पूरा एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन से वो कोडिफाई करी गई, वो बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो भी आपके लॉज हैं जो गवर्न करेगा हमारे देश को, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा या फिर क्या अधिकार स्टेट को है, क्या अधिकार सेंटर को है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होगा, ये सब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई करी गई है। और इसको कोडिफाई करने का काम किया किसने, तो एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई एंड उन्होंने ही ये सारा काम किया। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही हुआ कि जो भी आपके प्रोविजंस हैं संविधान के वो सब कोडिफाई किए गए हैं एक डेडिकेटेड बॉडी के द्वारा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनरिटेन में, तो कोई डेडिकेटेड बॉडी नहीं थी जो बैठकर उन्होंने संविधान बनाया एंड अल्टीमेटली एक पार्टिकुलर डेट को इनेक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं था। तो बेसिकली जो पहले से ही कस्टम्स ट्रेडिशंस चलते आ रहे थे उसी को पार्लियामेंट ने एक लॉ के माध्यम से इनेक्ट कर दिया एंड वही आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन गया। ये मैं अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन कि वेदर ए लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर और ऑर्डिनरी इन नेचर, तो उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देयर इज़ ए डिस्टिंक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे, जो ऑर्डिनरी लॉज है वो पार्लियामेंट की तरफ से पास किया जाता है बिल के माध्यम से और वो बाद में लाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें, तो और ज़्यादा डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा इनेक्ट किया जाएगा एक पार्टिकुलर डेट पर, क्यों, बिकॉज एक डेडिकेटेड बॉडी थी, सबने बैठा था, डिलिब्रेट डिस्कशन हुई थी और अल्टीमेटली जब हमारा संविधान तैयार हो गया तो उसको हमने इनेक्ट करवा दिया। दैट्स वाई आप प्रीएम्बल पढ़ते हो, वी डू हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डेट भी दिया गया है 26th of November 1949 को, तो दैट्स वाई, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ आपको ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलेगा, इज़राइल में देखने को नहीं मिलेगा, न्यूजीलैंड में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिस्टिंक्शन है बिटवीन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। और भी आप समझ सकते हो, लेकिन आपको हो कि जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आपको क्लियर डिस्टिंक्शन मिल जाएगा बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लॉज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे, अदर लॉज जो ऑर्डिनरी लॉज पास करवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सरोगेसी बिल हो गया जो पार्लियामेंट की तरफ से पास कराई गई, या फिर आपके आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये सब आपके क्या ऑर्डिनरी लॉज है, ये संविधान में आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, इसको पार्लियामेंट ने डेडिकेटली अलग से अपने हाउस में इसको पास करवाया एंड अल्टीमेटली जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर डिस्टिंक्शन मिल जाएंगे बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लॉज, ठीक है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन नहीं होगा कि ये भाई साहब ये ऑर्डिनरी लॉज है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, बिकॉज यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो भी लॉ बना देगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बन जाएगी, ठीक है। तो देयर इज नो डिमार्केशन। तो जाहिर सी बात है जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो रिजिड होगा या फिर फ्लेक्सिबल हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग कि क्या प्रोविजन सेट किए गए। जैसे हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो भी तो आपका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। रिजिड कहने का मतलब ये है कि उसमें जो भी अगर चेंज करना हो, ठीक है, जैसे संविधान के कुछ प्रोविजंस में चेंज करना है तो उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हो कि कम्प्लेक्स प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है टू चेंज द प्रोविजंस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी प्रकार से अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो उसको चेंज करना आसान होगा, ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं होगा टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, टू चेंज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। हमेशा आप देखोगे कि इंडिया हमेशा मिडिल पाथ फॉलो करता है,
ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इंडिया इज मिक्सचर ऑफ बोथ, यानी कि यहाँ पर आपको रिजिड फीचर्स भी मिल जाएंगे एंड आपको फ्लेक्सिबल इन नेचर मिल जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स को या फिर फंडामेंटल राइट के कोई प्रोविजन को चेंज करना है, तो उसमें बदलाव लाने के लिए हमको संवैधानिक संशोधन बिल लेकर आना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। एंड उस बिल को फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा दोनों हाउसेस से, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल एसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो जो है चेंज हो पाएगा। लेकिन सेम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजन है जहाँ पर हमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं बल्कि सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया, जो नेम ऑफ द स्टेट के नेम में चेंज करना हो, एरिया के नेम में चेंज करना हो, ठीक है, तो ये सब आपके सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाएंगे। तो इसीलिए कहीं कहीं रिजिड फीचर्स भी दी गई हैं हमारे संविधान में, कहीं कहीं फ्लेक्सिबल फीचर्स भी दी गई है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ बोथ मिक्सचर ऑफ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। एंड जब भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर जुडिशरी जो है वो वाइड पावर्स इंजॉय करेगी, ठीक है। जुडिशरी के पास जो पावर होगा जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर होगा। उसी प्रकार से आप देखते हो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने अभी आई थिंक कि जजमेंट दिया था एबॉर्शन के ऊपर, तो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा पावर होता है जुडिशरी के पास। इंडिया में भी देख सकते हैं जुडिशरी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। दैट्स वाई बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसेप्ट को लेकर आया। तो काफ़ी ज़्यादा वाइड पावर होती है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में, का जो पावर सब है ना वो सब कहीं ना कहीं संविधान में ही दिए रहते हैं कि किसको क्या पावर दी गई है। जैसे हम बात करते हैं कि जो स्टेट है उनको कौन से क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, या फिर जो सेंटर है उनको कौन से क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, तो ये सब आपको संविधान में मेंशन किया गया है। तो इसी को तो कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ संविधान में बताया गया है साफ सुथरे तरीके से, किसको क्या पावर दी गई है, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये सब आपको संविधान में मिल जाएंगे। ये आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है एक ही जगह पर, दैट इज योर कॉडिफिकेशन ऑफ द लॉज, ठीक है। एंड जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो वो यूनिटरी नेचर का भी हो सकता है, फेडरल नेचर का भी हो सकता है, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन एग्जिस्ट फॉर यूनिटरी टाइप ऑफ पॉलिटी एज वेल एज फेडरल टाइप ऑफ पॉलिटी। फेडरल टाइप ऑफ पॉलिटी में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब भी हम बात करेंगे फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल पॉलिटी, तो वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो क्लियर कट मेंशन होंगे संविधान में। अदरवाइज आप ही सोचो कि अगर पावर मेंशन ही नहीं है, स्टेट को क्या पावर दिया जाना है क्या नहीं दिया जाना है, किस पर स्टेट लॉ बनाएगी नहीं बनाएगी, तो फिर जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर यूनिटरी पॉलिटी का फीचर्स हमें देखने को मिल जाएगा। दैट्स वाई जब भी हम फेडरल पॉलिटी की बात करेंगे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य होता है, ठीक है। एंड अनरिटन की बात इसका जस्ट आप अपोजिट कर सकते हो, ये इवॉल्व हुआ है, यानी कहने मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर डेट को इनेक्ट किया गया होगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कभी ये कोडिफाई हुई ही नहीं, ठीक है। जब कोडिफाई ही नहीं तो एक दिन हम इसको कैसे इनेक्ट करेंगे, है ना। ये टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहे हैं, एडिशन होते रहा है एज पर द पार्लियामेंट हैज़ मेड द लॉज एंड इनेक्टेड इट, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा बिटवीन लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, एंड नेसेसरी यहाँ पर फ्लेक्सिबल होंगे बिकॉज पार्लियामेंट को एक्सट्रीम पावर यहाँ पर होती है टू मेक लॉज, ठीक है। एंड जुडिशरी यहाँ पर थोड़ा लिमिटेड पावर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एंड जो हाँ एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो यूनिटरी नेचर होगा, ये तो अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है, कि जहाँ पर आपके यूनिटरी पॉलिटी होगा वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप UK का ले सकते हो, है ना, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, फेडरल फॉर्म तो है ही नहीं। फेडरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये लेट से कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर इज टू पॉलिटी, वन इज स्टेट वन इज सेंट्रल लेवल, तो सेंट्रल है या स्टेट है, दोनों को जो पावर मिल रहा है वो संविधान ही दे रही है। लेकिन जब हम यूनिटरी की बात करते हैं तो लेट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये गवर्नमेंट है, तो पावर जो संविधान वो यूनियन गवर्नमेंट को ही दे रही है। लेकिन अगर स्टेट कोई क्रिएट करना चाहे यूनिटरी गवर्नमेंट में तो वो पार्लियामेंट क्रिएट करेगी, किस लिए क्रिएट कर सकती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ठीक है।
लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट को कोई डेडिकेटेड पावर नहीं देता है। तो होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड साथ ही साथ हमने रिटेन एज वेल एज अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिफरेंसेस क्लियर कट आपको कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं बेसिक। तो आप समझ सकते हो कि कितने डिटेल से मैंने आपको बताया, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक दो बार पीडीएफ पढ़ोगे, अगर समझ में नहीं आया है वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज डाउट्स अगर होते हैं तो। वैसे तो होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रिटेन अनरिटेन में क्लासीफाई किया है, एग्जांपल देख लिया हमने। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता ही है, लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कितना टाइम लगा था मैंने आपसे पूछा है कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको बताया है। लेकिन वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको जवाब देना है। तो इसका अगर आंसर लिखना हो ना, तो इसको आप दो भाग में बांट सकते हो कि भाई साहब, एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर से आप देख सकते हैं इंडिया की जो साइज़ है, अगर आइलैंड को मिला दिया जाए, अंडमान निकोबार को मिला दिया जाए, या फिर जो आपके लक्षद्वीप आइलैंड है उसे मिला दिया जाए, तो इंडिया की जो साइज है ना काफ़ी वास्ट है। लगभग अगर एरिया कैलकुलेट किया जाए तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द साइज हमारे पास आपको पता ही है 28 स्टेट्स हैं प्लस यूटीज हैं। ठीक है, अब जो भी स्टेट्स हैं उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करती हैं, साथ ही साथ जो आपके यूटीज हैं, यूटी को गवर्न करने के लिए अलग से प्रोविजंस दिया गया है, स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है। ठीक है, ये सब तो बात है ही है। एंड साथ ही साथ ये तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गया, एंड फिर आपका है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में क्या है कि बहुत सारे जो आप संविधान में फीचर्स देख रहे हो, प्रोविजंस देखते हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोर रोकी गई है। ये अच्छे से याद रखना, मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस वी सी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, तो ये जो आप फेडरलिज्म देख रहे हो ना, क्वासी फेडरलिज्म टाइप, तो ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बोरो किया गया है। एंड अब इतना लेंथीएस्ट क्यों है, तो ये थोड़ा सा एग्जांपल आप समझ सकते हो कि क्यों है इतना लेंथीएस्ट। रुक जाओ एक सेकेंड, इसको पहले डिलीट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि सेंटर हो या फिर स्टेट हो, दोनों के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो स्टेट के क्या पावर दी गई है, स्टेट की पॉलिटी क्या होगी, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं सेम कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। सेंटर की पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगी, ठीक है, सेंटर में गवर्नमेंट कैसे चुना जाएगा, ये सब कहीं ना कहीं सेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। पहली बात तो ये, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लीगल लिमिनरीज। लीगल लिमिनरीज मतलब क्या है, जो लीगल एक्सपर्ट्स है, काफ़ी महान लीगल एक्सपर्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हुए थे। कुछ के नाम आप देख सकते हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, बी एन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र रहे हैं संवैधानिक सभा के लिए, समझ में आए। तो ये सब कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े जानकार, जिन्होंने बहुत सारी स्टडी की है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, एंड अल्टीमेटली ये लूप होल्स बता देते थे कि भाई साहब यहाँ पर लूप होल्स है, इसको फुलफिल करो। तो अल्टीमेटली वो सारे के सारे फिल्ट्रेशन करने का काम कहीं ना कहीं इन सब महानुभाव ने किया है, एंड अल्टीमेटली हमें इतना ज़्यादा मजबूत एंड इतना ज़्यादा एक प्रकार से एरर फ्री कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वी हैव द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स, एंड वी हैव द लीगल लिमिनरीज जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल थे। मैंने तो दो के नाम दिए हैं, बहुत सारे ऐसे लीगल लिमिनरीज थे। ठीक है, एंड आप वैसे भी रिमेंबर कर सकते हो कि जो ड्राफ्ट कमेटी है उसमें 7 मेंबर्स थे, बी आर अम्बेडकर तो थे ही थे, साथ ही साथ और भी 6 थे, हमें नाम याद नहीं आ रहा है, आप एम लक्ष्मीकांत में देख सकते हो। ठीक है, तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस नहीं है कि वैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है, एंड स्टेट को ये पावर दी गई है, वो पावर दी गई है, यूनियन को वो पावर दी गई है, तो ये सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस की ही बात नहीं करता, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी इसमें दी गई है। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे, क्या स्ट्रक्चर होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये सभी बात की गई है। तो एक तो ये हो गए, साथ ही साथ वी हैव द जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। जस्टिसिएबल राइट्स यानी कि जो
इन्फोर्स करवा सकते हैं हम कोर्ट में जाके, जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल राइट्स हैं हमारे। नॉन जस्टिसेबल राइट्स यानी कि वो राइट्स तो हैं बट वो स्टेट जब चाहे वो इम्प्लीमेंट करवा सकती है, यानी कि जब उनका मन चाहे तो वो प्रोविजंस को देश में लागू करवा सकती है। एंड ये जो आपके मॉरल प्रिंसिपल्स है फॉर एग्जांपल DPSP, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट DPSP के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो हम कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते कि ये जो प्रोविजंस इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करवाओ, जो हम फंडामेंटल राइट्स में कर सकते लेकिन DPSP में नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए तो जस्टिसिएबल एज वेल एज नॉन जस्टिसिएबल राइट्स भी इंक्लूड की गई हैं हमारे संविधान में। एंड ये तो हमने पढ़ ही लिया है डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमरीज, ठीक है, तो आपको तो समझ में आ गया होगा जस्टिसिएबल मतलब क्या, विच कैन बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, एंड नॉन जस्टिसेबल यानी कि विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे हमने प्रीएम्बल जब पढ़ा था तो आपको बताया भी था कि प्रीएम्बल इटसेल्फ इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, कि हम प्रीएम्बल के प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर बोलेंगे कि ये प्रोविजन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर नॉन जस्टिसेबल, ये साफ साफ बोला गया है। तो ये हमने डिफरेंसेस भी समझ लिया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जांपल कुछ याद रखना है आपको, ठीक है, UK, इजराइल, न्यूजीलैंड। एंड हमने ये भी देखा कि वाई लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एग्जांपल भी हमने देखा। एंड फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट जो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यहाँ से आपके जो प्रिलिम्स के क्वेश्चन हैं यहाँ से आते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको सोर्स बताता हूँ कि जो आपके एम लक्ष्मीकांत है ना, उसमें आपको सेलियंट फीचर्स का चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ पर सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टेबल दिया रहेगा, जस्ट रिमेम्बर ऑल द पॉइंट्स कि कौन से देश से या कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स ली गई। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है लेकिन यहाँ पर कुछ जो हैं वो कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं है, जैसे यहाँ पर 5 ही नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, अदरवाइज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है प्रोविजंस, ठीक है, एंड साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है, तो डेट्स वो उनको रिमेंबर करना ज़रूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ, डेट्स वाई यहाँ से आपको रट लेने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो तैयार हुआ, अल्टीमेटली जो भी इनके प्रोविजंस आप देखते हो वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड, एंड जो भी इम्पोर्टेंट एंड अच्छे प्रोविजंस थे उसको इंक्लूड किया गया एंड मॉडिफाई भी की गई एज पर द कंट्री, जो हमारी नीड की थी उसमें हमने कुछ चेंज करना चाहते वो चेंज भी किया, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है आपका, उसमें से हमने 250 प्रोविजंस लिए हैं, तो दैट्स वाई आप समझ सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो वो कहाँ से ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वी हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से क्या क्या ली गई इसको तो रट ही लेना है, ठीक है, ये सारे के सारे तो रट ही लो एंड जो मैंने सोर्स बताया है उसको भी रटना है आपको। तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो यहाँ पर देख सकते हो फेडरल स्कीम, तो मैंने आपको बताया था जो फेडरल स्कीम है वो यहाँ से ली गई थी। वैसे भी फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो फेडरल की बात चली थी ना वो 1935 में ही निकल कर आई थी। एंड वी हैव द ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो आज जो गवर्नर का ऑफिस देखते हो वो बेसिकली ब्रिटिश इरा से ही चलती आ रही है। एंड वी हैव द जुडिशरी कंसेप्ट एंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो आप देखते हो, जो सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी आज आप देखते हो, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज जो आप देखते हो, एंड वी हैव द इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो वी हैव द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोअर हाउस और द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, वी हैव द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है कि लॉ इज सुप्रीम, लॉ की चलेगी, है ना, कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, है ना, कि वो रूल का वायलेशन कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो रूल ऑफ लॉ वहाँ से ली गई है। एंड वी हैव द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन में तो सिंगल सिटीजनशिप है ही, तो वहीं से ली गई है, ये सब ध्यान रखने के पॉइंट। कैबिनेट सिस्टम वहीं से लिया गया है, प्रेरोगेटिव रिट्स वहीं से लिए गए हैं, रिट्स बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में, है ना, हैबियस कॉर्पस,
या फिर मैंडमस, क्यू वेरेटो, ये सब रिट्स के एग्जाम्पल हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वहीं से ली गई है। बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट वहीं से लिया गया है। बाइकैमरलिज्म यानी कि दो हाउसेस, तो वी हैव द अपर हाउसेस एंड वी हैव द लोअर हाउस। अपर हाउसेस में कौन हो जाता है आपका, राज्यसभा हमारे देश में, एंड लोअर हाउसेस में क्या है, लोकसभा। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर भी बाइकैमरलिज्म विशिष्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये हमने देखा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स ली गई हैं, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियरी इंडिपेंडेंस, जुडिशियरी दो, याद रखा, जुडिशियरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं जुडिशियरी की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, है ना, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है वो कोई भी बिल को रिव्यू कर सकती है, ठीक है, कोई भी अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है, तो वो सब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जहाँ आप प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पढ़ते हो, वो जो प्रोसेस है वो आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना, ये छुपा रहता है। तो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, ये जो कंसेप्ट होगा वो आपको भी पता होना चाहिए कि यूएस से होगा, क्योंकि यूएस में ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो वी हैव द डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो प्रिंसिपल्स में आई भी है, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, के जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते आते हैं ना, तो वो भी आपका इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड मैथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि क्या मेथड है, यहाँ पर आपको श्योर शर्ट रहना है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिखा रहा है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसलिए ये जो डिस्टिंक्शन है वो भी पता होनी चाहिए, यानी कि इसका सिर उसके टॉपिक कर दिया या फिर उसकी टॉपिक इसके सर, जो भी डायलॉग है समझ गए होगा। एंड कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या लिया गया है, तो ये तो अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि आप देखते हो कि जो सब्जेक्ट डिवाइड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, तो जो सेंटर को सब्जेक्ट दिया गया है वो ज़्यादा एक प्रकार से यू कह सकते हो कि नेशनल इंटरेस्ट वाला है, ठीक है, जैसे डिफेंस है या फिर आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है, या फिर फॉरेन अफेयर्स है, तो ये सब कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दी गई है, जबकि स्टेट के हाथों में लोकल गवर्नमेंट का इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई, इरिगेशन है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हो तो हम देख ही लेंगे आने वाले समय में, ठीक है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो एक प्रकार से वैसे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिकमेंड जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। एंड एडवाइजरी जनरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब एक एक डिटेल हम इन सब के चैप्टर में देखेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में आएंगे तो एडवाइजरी जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जब गवर्नर के टॉपिक में आएंगे तो गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि आप एक प्रकार से अवगत हो जाओ इन सब बातों से, सो दैट आप बात कभी भी डाउटफुल फेस ना करो। तो ये बातें होगी, तो हमने यहाँ तक पहुँचा। अब चलो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसको तो मैंने समझा ही दिया है आपको कि इसमें आपका कोई ऐसा बड़ा इश्यू है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि भाई साहब स्पेशल प्रोसीजर चाहिए अगर संविधान में अमेंडमेंट करना है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि इसको अमेंड कर सकते हैं इन द सेम मैनर एट द ऑर्डिनरी लॉज अमेंड, जैसे ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं, है ना, सिंपल मेजोरिटी से, है ना, कि कोई बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, उसको फिर दोनों सदनों से सिंपल मेजोरिटी से पास करवा दिया, तो ये हो गया फ्लेक्सिबल, है ना। ज़्यादा इसमें कम्प्लेक्स नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर जहाँ पर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जांपल है एक प्रकार से कम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। रिजिड का भी फीचर मिल जाएगा आपको एंड फ्लेक्सिबल का भी फीचर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स कमेंट करना हो, डीपीएसपी कमेंट करना हो, सेवंथ शेड्यूल कमेंट करना हो, तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
एंड जबकि अगर स्टेट का नाम चेंज करना हो, एरिया चेंज करना हो, बाउंड्री चेंज करना हो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा, तो ये सब आपका सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाएगा। अभी टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना है बताओ, 34, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायसनेस। तो हमने तो आपको बताया है कि इंडिया जो है इज ए यूनिक एग्जांपल ऑफ क्वासी फेडरल सिस्टम। क्वासी फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टेट को भी संविधान की तरफ से पावर मिला है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी संविधान की तरफ से पावर मिला है, लेकिन कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर जो यूनियन है यानी कि देश की जो सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी खतरे में आ जाती है, तो वहाँ पर इमरजेंसी प्रोविज़न के माध्यम से जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल पॉलिटी है हमारे देश का, वो शिफ्ट हो सकता है यूनिटरी पॉलिटी की तरफ, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बाद में जब स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं तो फिर जो सिस्टम है वापस से रिप्लेस हो जाता है। फंडामेंटल अगर एग्जांपल ले तो इमरजेंसी के सिचुएशन आप याद करो, 1970s जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय जो फेडरल फीचर्स थे ना वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से छुप से गए थे एंड जो यूनिटरी फीचर्स है वो इमर्ज होकर आ गया था, ठीक है। तो ये बातें हैं। एंड अगर हम और फर्दर डिटेल में जाएं तो देख सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है क्या फीचर्स है जो हमें बताता है कि हाँ हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम की बात करता है। तो जैसे देख सकते हो जो भी एक फेडरल स्टेट का फीचर्स होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है हमारे स्टेट को, कैसे, तो देख सकते हो टू गवर्नमेंट्स, यानी कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट है, एक यूनियन गवर्नमेंट है। आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वोटिंग करते हो एंड यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी वोटिंग करते हो, ठीक है। तो ये है आपका, साथ ही साथ डिवीज़न ऑफ पावर है। डिवीज़न ऑफ पावर यानी कि जो सेवन्थ शेड्यूल है ना वो डिवीज़न ऑफ पावर की बात करता है कि भाई साहब कौन से मैटर पर आपका स्टेट लॉ बनाएगा, कौन से मैटर पर एक्सक्लूसिवली सेंटर लॉ बनाएगा, कौन से मैटर पर दोनों यानी कि स्टेट या फिर सेंटर लॉ बना सकते हैं जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, एंड कौन से मैटर जो मेंशन नहीं किए गए संविधान में उस पर लॉ अगर बनाएगा तो कौन बनाएगा। तो जो रेसिडरी पावर है, रेसिडरी पावर यानी कि सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है संविधान में लेकिन एज पर द टाइम जब टाइम इवॉल्व हुआ तो हो सकता है कोई नई इशू आ गई होंगी तो उस पर लॉ बनाने का ताकत किसे दिया गया है, तो उस पर लॉ बनाने का ताकत बेसिकली पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक है। जैसे आपका जो साइबर रिलेटेड मैटर्स है ये सब इवॉल्विंग इश्यू है, तो ये सब कहीं ना कहीं उस समय नहीं थे जब ये संविधान बन रहा था, आप समझो उस समय कहाँ इंटरनेट का ज़माना होगा, ठीक है। इसलिए ये सब रेसिडरी पावर किसके हाथों में चले गए होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। तो डिवीज़न ऑफ पावर्स है, वी हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना ज़रूरी है, जब तक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं होगी तब तक फेडरलिज्म हम इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। दैट्स वाई इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू द जुडिशियरी इज गिवन सो ह्यूज कि उसको आसानी से अल्टर नहीं किए जा सकते, दैट्स वाई द स्टेट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द जुडिशियरी, ठीक है। तो ये बातें हो गई एंड यहाँ पर देख सकते हो हाउएवर इतने सारे प्रोविजन हमने देखा जो फेडरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लार्ज फीचर्स ऐसे भी हैं जो यूनिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेंटर को, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बड़े इश्यू होते हैं, जैसे डिफेंस का है तो कम्प्लीटली इस पर सेंटर ही कानून बना सकती है, ठीक है, या फिर आपका कम्युनिकेशन है तो इस पर आपका सेंटर ही कानून बना सकती है, फॉरेन अफेयर्स है तो इस पर भी आपका सेंटर ही कानून बना सकती है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है कि यस अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कहीं ना कहीं है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट मैटर्स है वो यूनियन के ही हाथ में है, ठीक है।
और कितने सब्जेक्ट मैटर यूनियन के पास है आप हमें बताओ, स्टेट के पास कितने हैं आप हमें बताओ, एंड कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं अभी फिलहाल। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया, लेट्स मूव टू द अदर डिस्कशन। तो जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से यूनिटरी फीचर्स को आप कह सकते हो रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आप समझो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, अभी जो आप टसल देख रहे थे वेस्ट बंगाल गवर्नर के बीच वर्सेस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच, तो क्या ये सब टसल रिप्रेजेंट करवाता है ना, ये सब कहीं ना कहीं दिखाता है कि यस सेंटर की कहीं ना कहीं प्रेजेंस स्टेट में दिख जाती है, इवन कि वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विसेज देख लो है ना, जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर सब होते हैं वो ऑल इंडिया में इनको अपॉइंटमेंट मिलती है। ठीक है, कैडर मिलता है इनको, तो ये सब जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो किन का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल जो है आपका, वो जो भी सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट सब के मैटर है वो सब हैंडल करती है। एंड वी हैव द इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जबकि अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड नहीं बल्कि सेपरेट जुडिशरी है, यानी कि स्टेट में अपना जुडिशरी है जो स्टेट लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। एंड एट द सेंट्रल लेवल वी हैव द फेडरल कोर्ट, जो कहीं ना कहीं जो फेडरल लॉज है उसको इस्टेब्लिश करता है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और भी बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स हैं, जैसे इमरजेंसी का प्रोविजन्स भी तो यूनिटरी फीचर्स ही है ना। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज हमने देख ही लिया। ठीक है, तो ये बातें हैं एंड इसलिए हम कह सकते हैं। तो ये जो हमने अभी सार पढ़ा, जो भी कि नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाए तो लगेगा आपको कि इंडिया जो है एक फेडरल पॉलिटी है, लेकिन कभी अगर एब नॉर्मल सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, देश की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी उस पर खतरा आ गया, तो फिर जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको यूनिटरी में चेंज होने में समय नहीं लगेगा, बस इमरजेंसी के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। जैसे प्रेसिडेंट रूल आप देखते हो, तो प्रेसिडेंट रूल भी क्या है, एक प्रकार से यूनिटरी फीचर्स को ही तो रिप्रेजेंट करता है ना। एंड प्रेसिडेंट रूल इज अ टाइप ऑफ इमरजेंसी इटसेल्फ, जो हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के चैप्टर्स में। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, है ना। तो इसी यूनिक फीचर्स के कारण हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फेडरल इन फॉर्म कहा है एंड यूनिटरी इन स्पिरिट कहा है। ठीक है, एंड क्वासी फेडरल कहा है केसी वेयर ने, ये नाम अगर याद रखते तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, केसी वेयर। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आप बताओ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है आप बताओ हमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो चुने जाते हैं लेजिस्लेचर से। फॉर एग्जाम्पल, आज जो आप प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हो, जो भी मिनिस्टर्स है वो कहाँ से चुनकर आए, वो आपके पार्लियामेंट से चुनकर आए, चाहे वो राज्यसभा से हो या फिर लोकसभा से हो। तो इसका मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है वो बेसिकली लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, एंड कॉर्डियल रिलेशंस होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें एक यूनिक फीचर्स होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो काउंसिल ऑफ स्टेट है या फिर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लोकसभा है, अगर चाहे तो गवर्नमेंट को हटा सकती है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर। ठीक है, तो ये होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्ट, एंड लेजिस्लेचर चाहे तो गवर्नमेंट को हटा सकती है। ठीक है, अगर मेजोरिटी गिर गई किसी भी गवर्नमेंट की तो अल्टीमेटली उसे अपनी जो मेजोरिटी है वो साबित करनी पड़ेगी, अगर नहीं साबित कर सका तो सरकार गिर जाएगी उसकी। फिर बेसिकली डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं
रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब तो सिस्टम आप रोज़ टीवी पर देखते होगे, ये प्रक्रिया से तो आप बिल्कुल वाकिफ होगे आई थिंक सो। एंड सो अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें तो देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। क्यों ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, पहली बात तो हम इससे अवगत थे कि ऐसे अवगत थे तो जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था तो इसी प्रकार के सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे देश में थी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम थी ही नहीं तो हम इससे अवगत थे नहीं, साथ ही साथ थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल प्रोपोर्शनेट सिस्टम का एक प्रकार से रूल होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो चूँकि जिस प्रक्रिया से जिस पॉलिटिकल सिस्टम से हम अवगत थे उसी को कंटिन्यू रखना चाहा। ठीक है, एंड तो यहाँ आप देख सकते हो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पर आधारित है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। तो आप देखते ही होंगे कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच आपका कोऑर्डिनेशन रहता है। दैट्स वाई जो आपके प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी उनकी मेजोरिटी है लोकसभा में, दैट्स वाई वो गवर्नमेंट बनाए हुए हैं। ठीक है, जिस दिन मेजोरिटी गिर जाएगी तो जो गवर्नमेंट है वो आपका उनको रिजाइन करना पड़ेगा, तो ये सिस्टम होता है। ठीक है, और वही मेंबर से आप देख सकते हो कि जो मिनिस्टर से होते हैं वो निकल कर आते हैं। ठीक है, तो आप जो भी मिनिस्टर देखते हो वो कहीं ना कहीं या तो राज्यसभा के सदस्य होंगे या फिर लोकसभा के सदस्य होंगे। ठीक है, अगर सदस्य नहीं भी है तो उनको 6 महीने के अंदर अंतर सदस्यता लेनी पड़ेगी दोनों में से किसी हाउस की। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पर आधारित है। वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है जैसे प्रेसिडेंट है और उसके जो भी आपके मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट खुद चुनता है, वो किसी बिजनेसमैन को चाहे तो वो भी चुन सकता है। ठीक है, वो बेसिकली जो US कांग्रेस है या फिर यूँ कह सकते हो कि वहाँ के जो असेंबली है उससे मेंबर को नहीं चुनता है प्रेसिडेंट, वो बेसिकली जो उनका चहेता होगा उनको चुन सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक प्रकार से प्योर सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेकिन इंडिया में या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। ठीक है, एंड जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट, टू द लोकसभा, टू द लोअर हाउस। ठीक है, एंड कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको। एंड ये तो आपको भी पता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो न सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर अप्लीकेबल है बल्कि स्टेट लेवल पर ही अप्लीकेबल है। दैट्स वाई स्टेट में भी आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम देखने को मिलता है गवर्नमेंट का। एंड जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही चुनी जाती हैं। ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर हो तो वहाँ से भी चुने जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ही प्रति होती है। ठीक है, वो सब हम आगे देखेंगे। वैसे आपको ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। एंड इन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, लेकिन जो रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी अहम रोल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया में, तो आप देख सकते हैं तो रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो रियल में कौन हो गए, रियल प्राइम मिनिस्टर हो गए, नॉमिनल में कौन हो गए आपके प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, नॉमिनल मतलब क्या, संबोधित करने वाले। ठीक है, एंड वी हैव द मेजोरिटी पार्टी रूल, तो आप देख सकते हो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो बीजेपी की मेजोरिटी है लोकसभा में दैट्स वाई वो गवर्नमेंट बनाए हुए हैं। उसी प्रकार से जो भी राज्य सरकार आप देखते हो उसकी कहीं ना कहीं उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी है दैट्स वाई वो बना रहे हैं। अगर मेजोरिटी नहीं भी है तो कॉलिशन के माध्यम से, यानी कि 2-3 पार्टी एक साथ मिलकर मेजोरिटी अगर पूरा देते हैं तो भी वो सरकार बना सकते हैं। एंड वैसे गवर्नमेंट को हम कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के प्रति, ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो प्रीलिम्स में बार बार पूछी गई है। एंड मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर,
तो ये हो गया आपका। एंड यहाँ पर लीडरशिप किसका होता है, तो यहाँ पर लीडरशिप होता है आपका प्राइम मिनिस्टर का अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर का अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ लोअर हाउस का डिजोल्यूशन हो सकता है, तो लोकसभा का डिजोल्यूशन होता है 5 साल में होता है, ठीक है। नॉर्मल अगर डिजोल्यूशन देखें तो, बिकॉज नॉर्मल टेन्योर क्या है 5 साल। असेंबली का भी डिजोल्यूशन होता है, लेकिन पहले भी डिजोल्यूशन हो सकता है अगर मेजोरिटी जो गवर्नमेंट की है वो ख़त्म हो गई हो, ठीक है। एंड इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एज लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कम्प्लीटली सॉवरिन है, फुल सॉवरिन कंपैरिजन के रूप में उतना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अल्टीमेट सॉवरिनिटी इंजॉय करता है, यानी कि जो लॉ चाहे वो बना सकता है, जिसकी पावर कट करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के उतना सॉवरिन नहीं है, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, जो एक्शन को जज करेगी, मॉनिटर करेगी, कस्टोडी करेगी, ठीक है। तो अगर कोई अटपटा कानून अगर लाया जाता है, बिल लाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से निगरानी रखेगी, एंड अगर संविधान को वायलेट करेगा तो फिर उसको एक प्रकार से हटा भी देगी। ऐसे बहुत सारे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो NJC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो लाई गया था, है ना, वो भी आप समझ सकते हो। एंड यहाँ पर हमने फिर आपको शॉर्ट समरी में बता दिया है प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या फीचर्स है, तो वी हैव द ड्यूल एग्जीक्यूटिव। ड्यूल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट भी एक प्रकार से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर तो रियल एग्जीक्यूटिव है ही है। साथ ही साथ मेजोरिटी पार्टी रूल हमने बता दिया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट, या फिर आप कह सकते हो टू द लोकसभा अगर हम केंद्र की बात करें तो। पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी यानी कि जो मिनिस्टर्स आप देखते हो वो जनरली सिंगल पॉलिटिकल पार्टी से ही तो होते हैं। जैसे आज जो आप BJP गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पर, तो जो मिनिस्टर्स है वो BJP के ही हैं, ठीक है, तो ये बात हो गई। साथ ही साथ डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप यानी कि वो एग्जीक्यूटिव के रूप में भी हैं, साथ ही साथ वो लेजिस्लेचर के रूप में भी मेंबरशिप पाए हुए हैं, तो ये हो गया आपका डबल मेंबरशिप, ठीक है। तो डबल मेंबरशिप ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया डबल मेंबरशिप का, यहाँ मतलब ये हुआ कि वो मिनिस्टर भी है साथ ही साथ वो लेजिस्लेटिव मेंबर्स भी हैं, ठीक है, तो डबल मेंबरशिप हो गया। साथ ही साथ लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं, साथ ही साथ लोअर हाउस का डिजोल्यूशन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूजन ऑफ पावर देखने को मिलती है। एंड मेरिट्स क्या है, तो हारमोनी हमेशा बनती रहेगी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच, ठीक है, तो दैट्स वाई इतनी आसानी से जो बिल है वो पास हो जाती है लोकसभा में, बिकॉज हारमोनी है। जो एग्जीक्यूटिव वो जनरली लेजिस्लेचर से ही आते हैं, तो दैट्स वाई देयर इज हारमोनी। एंड अदर मेरिट्स देखें तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वाई, बिकॉज ये लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। एंड प्रिवेंट्स द डेपोटिज्म एंड वाइडर रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, ठीक है। एंड डीमेरिट्स के अनस्टेबल गवर्नमेंट, बिकॉज अगर समर्थन गिर गया तो सरकार गिर जाएंगी, इसलिए इतनी सारी क्राइसिस आप देखते रहते हैं, महाराष्ट्र क्राइसिस या फिर ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हुए, ठीक है, क्राइसिस वाले, आप पॉलिटिकल क्राइसिस स्टेट का नाम दे दो, सब आपको हिस्ट्री पता चल जाएगा। साथ ही साथ पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं रह पाती, क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली यहाँ पर चेंज होती है, और चूंकि लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है, तो जो भी बिल्स है पेंडिंग है लोकसभा में वो सब भी डिसॉल्व हो जाती है, तो इसलिए पॉलिसी अब नई गवर्नमेंट आएगी वो अपना पॉलिसी लेकर आएगी, पॉलिसी को रीनेम कर देंगी, इसलिए एक होता है कि जो भी पॉलिसी लाई जाती है वो कंटिन्यूटी नहीं रखती, बिकॉज ये गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी पॉलिसी हैं जो कहीं ना कहीं लंबे समय से कंटिन्यूटी बनाए रखी है, जैसे मनरेगा की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉलिसी जो समय के अनुसार गवर्नमेंट के अनुसार चेंज हो जाती है। एंड अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट होना चाहिए बिटवीन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, लेकिन यहाँ पर तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच कॉपरेशन हमें देखने को मिलता है। एंड ये कहते हैं गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, एमेच्योर यानी कि एक प्रकार से जो सामान्य जानकारी रखते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल में क्या होंगे, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स, क्योंकि प्रेसिडेंट बेसिकली बिजनेसमैन को चुन सकते हैं, कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को चुन सकते हैं, तो ये बातें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका,
तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप देख सकते हो वी हैव द सिंगल एग्जीक्यूटिव, ये तो है सिर्फ प्रेसिडेंट ही दोनों होते हैं, नॉमिनल कहो या फिर रियल कहो, प्रेसिडेंट ही सारा अथॉरिटी रखता है। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट सेपरेटली इलेक्ट होते हैं, लेजिस्लेचर सेपरेटली इलेक्ट होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपको नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाएगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो जो मेंबर चुनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं चुनते हैं, यूएस कांग्रेस से नहीं चुनते हैं, वो अपना चुनते हैं, ठीक है, और जिसको चाहे वो चुन सकते हैं। एंड पॉलिटिकल होमोजेनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं या कर भी सकती हैं, बिकॉज कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपके मिनिस्टर्स बनाए गए हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंतर्गत वो आपका मैच करता हो यूएस के जो कांग्रेस है या फिर यूएस की जो असेंबली है, ठीक है। एंड वी हैव द सिंगल मेंबरशिप एंड डोमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट को ह्यूज पावर होती है। एंड डिमेरिट क्या होगा, बिकॉज कन्फ्लिक्ट होगा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच, है ना, कुछ प्रेसिडेंट चाहेंगे कि सर्टेन बिल पास हो सकता है, उस पर एग्रीमेंट जो यूएस कांग्रेस है वो ना दिखाए, साथ ही साथ जो यूएस कांग्रेस चाहती है पास हो सकता है, प्रेसिडेंट उस पर एग्रीमेंट ना दिखाए, तो ये कन्फ्लिक्ट होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये कन्फ्लिक्ट मिनिमाइज रहती है। साथ ही साथ नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जो एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड इट कैन लीड टू मोर ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कह सकते हो। एंड नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर। एंड मेरिट्स आप देख लो यहाँ पर, स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट गिरने का डर नहीं है कि भाई साहब लेजिस्लेचर ने अगर समर्थन हटा दिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट प्रोविजंस होते हैं प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो। साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिसीज कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिसी बनाई जाती है लेट्स से कि यूएस कांग्रेस के द्वारा, तो वो बेसिकली सेपरेट होता है प्रेसिडेंट से, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर, ये तो ही है, एंड गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज पूरा जो है 5 फीचर्स देखे हैं कंप्लीट डिटेल में, एंड नेक्स्ट हम 6 से देखेंगे। कैसा लगा आपको लेक्चर सीरीज, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, अल्टीमेटली लाइक शेयर का बटन दबाना ना भूलना है। एंड जो आंसर राइटिंग इनिशिएटिव की बात हमने की है उसको आप क्वेश्चन लिखो, एंड अल्टीमेटली हम उसको रिव्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।